हेलो गाइस, दिस इज़ मोहम्मद नईम और आज मेरे साथ हैं मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस अबू धाबी से आए हैं मुझे ज्वाइन करने और कल मेरे साथ मैच एंजॉय करने। कैसे हैं अवैस? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो फाइन। और कल के मैच के बारे में बात करते हैं कुछ। कल मैच है जी, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कजाफी स्टेडियम में खेले जाने वाला ये मैच है। और क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो मिसबुल हक ने कुछ बड़ी तब्दीलियाँ तो नहीं की, क्योंकि स्क्वाड में उन्होंने इस तरह की चॉइसेस रखी हैं कि उन्हें मच एक्सपेरिमेंट ना करने पड़े। फॉर एग्जांपल उन्होंने दो ही ओपनर रखे। फॉर एग्जांपल उन्होंने आमिर और वहाब को नहीं डाला, क्योंकि फास्ट बॉलर्स जो सिलेक्ट किए वो खेलें और पता चले। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ गुड स्ट्रैटेजी। सो अवैस, क्या समझते हैं कि एहसन अली को सिलेक्ट किया गया, उनकी चॉइस कैसी है? एहसन अली के बारे में बात करते चलें तो एहसन अली पहली दफ़ा इंटरनेशनल क्रिकेट में चांस दिया जा रहा है एज ए T20 बैट्समैन और इज़ अ गुड हिटिंग बैट्समैन। तो लेट्स सी कल वो प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं। इन्होंने लीग्स में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, देखते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी ऑप्शन नहीं है बाबर आजम के साथ ओपन करने के लिए। यस, इट इज़ अ गुड पॉइंट कि हमारे पास ये एक फोर्स चेंज हो सकती थी, क्योंकि आप अगर देखें एहसन अली की परफॉर्मेंस एज सच नहीं थी, लेकिन अवेलेबल ऑप्शन में इसके पास वक्त शायद ना हो, इसी वजह से एहसन अली आए। और आई होप कि एहसन अली परफॉर्म करें और आगे जाएं, हमें कोई मसला नहीं। बट डोमेस्टिक में परफॉर्म करना और यू नो इंटरनेशनल में परफॉर्म करना इज अ टू डिफरेंट थिंग्स। बट वन थिंग आई एम एडिंग हियर, इस वक्त क्योंकि ये एहसन अली के लिए फर्स्ट एंड लास्ट सीरीज भी हो सकती है, क्योंकि अगर PSL आ रहा है तो वहाँ पे शर्जील खान है, कामरान अकमल है, क्या पता वो अच्छा परफॉर्म करें। तो इनको इस सीरीज़ में ऐसा परफॉर्म करना होगा ताकि इन्हें आगे वाली सीरीज़ में भी इन्हें इंक्लूड किया जाए, ये ना हो कि इसका करियर यहीं पे ख़त्म हो जाए एक सीरीज़ के बाद। तो ये चीज़ उनके माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को आप एक दो सीरीज खिला के बाहर नहीं करवा सकते। और दूसरे ओपनर तो कंफर्म है बाबर आजम, नंबर वन इन द सर्किट, नंबर वन इन T20 रैंकिंग। और तीसरे नंबर पे स्टिल अ क्वेश्चन मार्क, मोहम्मद हफीज़ खेलेंगे या मोहम्मद रिजवान? आई थिंक मोहम्मद रिजवान का चांस सीजन पे नहीं बनता, मोहम्मद हफीज़ और इफ्तिखार में से आई थिंक दे विल चूज, देखें हु विल बी द गुड ऑप्शन फॉर द थर्ड नंबर। इफ्तिहार को तो आई थिंक पांचवे या छठे पे खिलाना है उन्होंने, लेकिन आप ये देखें कि अगर रिजवान को आप तीसरे पे नहीं खिलाते तो बाकी आप इस बैटिंग लाइनअप में कहाँ एडजस्ट करेंगे, बिकॉज रिजवान के पास वो बिग हिटिंग सलाहियत नहीं है। सो मेरे ख्याल से तीसरे नंबर पर रिजवान को चांस देना चाहिए, स्ट्राइक रोटेशन में अच्छा है और एक दो बाउंड्री मौका मिलने पर मार सकता है। और चौथे नंबर पे देन हफीज़ और मलिक इन द मिडल ऑर्डर, और पांचवें पे फिर हो जाएंगे इफ्तिहार एंड देन वी मूव टू द कैटेगरी ऑफ अराउंडर्स, इमाद वसीम है और शादाब है, तीन हो जाएंगे। और तीसरा राउंडर जो ऐड करूंगा वो अहमद भट्ट होगा, चांस मिल सकता है क्योंकि उनकी चांस मिल सकता है। एक मैच में अहमद भट्ट को ले लें और बाकी दो मैचेस में आप कुछ दिलशाह को लेके, और बट पांचवा बॉलर पर आपको मलिक यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर एज अ बॉलर आपके पास मलिक है, इफ्तिखार है, हफीज, आप तीनों को यूज कर सकते हैं। हफीज, फॉर योर इंफॉर्मेशन, हफीज इज नॉट अवेलेबल क्योंकि हफीज पे बैन है एंड हफीज येट टू गिव द टेस्ट, और वो टेस्ट देंगे और फिर क्लियर करेंगे, ये बात की बात है। लेकिन जो बॉलर हैं वो सिलेक्ट होंगे जी, शहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। हारिस रऊफ को देखना होगा, ये एक यू नो ये थ्रेट बना हुआ था BBL में और कैसा परफॉर्म करते हैं, उनके पास वो 150 वाली पेस तो है जो किसी भी बैट्समैन को हिला सकती है, और स्पेशली बांग्लादेश जैसी टीम के अगेंस्ट बहुत कुछ कर सकते हैं और अपना नाम डेब्यू सीरीज में बना सकते हैं। हारी है क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया और वर्ल्ड कप भी लेटर ऑन वहीं होने जा रहा है, और उन्होंने PSL में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, इग्नोर किया गया उस टाइम पे, लेकिन अभी उन्हें चांस दिया जा रहा है, होपफुली दे विल परफॉर्म वेल इन दिस सीरीज। डू यू थिंक शादाब और इमाद को किसी एक मैच में रेस्ट दे के उस्मान कादर को ट्राई किया जा सकता है? आई थिंक सेकंड मैच में, फर्स्ट मैच में ये मिसबा ये रेस्ट नहीं लेंगे, शादाब को खिलाएंगे क्योंकि दे वांट हिटिंग बैटिंग लाइन अप ऑन 8 नंबर, क्योंकि कम से कम 8 बैट्समैन इनके पास, बैटिंग लाइन अप स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग में थोड़ा इन्हें कम करना पड़ेगा कम्प्रोमाइज, एक बॉलर एक्स्ट्रा खिलाना पड़ेगा क्योंकि फास्ट बॉलर इनके पास दो हैं अच्छे, और इनके पास अवैस मेरा आपसे ये सवाल है कि हम एक्सपेरिमेंट करने में क्यों घबराते हैं, और जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दो हार आती हैं तो हम पीछे क्यों बैकवर्ड पे चले जाते हैं और फिर दोबारा से वो पुराने सर्किट को क्यों ले आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थिंग इज दैट इस वक्त मिसबा ने एक्सपेरिमेंट ही किए हैं, देखें अब डायरेक्ट बाबर आजम को कैप्टन बना दिया गया है, पूरा स्क्वाड एकदम से हफीज़ और मलिक को वापस लेके आ गए, आप हारिस को एकदम से लेके आ गए, ये आप ये समझें कि सीनियर जूनियर का एक मिला जुला और
एक न्यू सा एक्सपेरिमेंट है, अब पता चलेगा आफ्टर सीरीज के क्या करते हैं। और होम ग्राउंड है, सबको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। बांग्लादेश भी स्ट्रांग है क्योंकि वो भी अपना खेल के आई है अपना। और मैं स्टेट्स देख रहा था, नंबर ऑफ मैचेस के लिहाज से बांग्लादेश के मैचेस जो थे वो ज़्यादा बन रहे थे बांग्लादेशी प्लेयर्स के पाकिस्तान की बनस्पत। पाकिस्तान में हाफिज और मलिक ही एक्सपीरियंस है, बाकी दो तीन तो देखें डेविड सबका ही यहाँ न्यू। और विवेश के पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, कल के मैच के बाद इंशाल्लाह वी विल अपलोड अनदर वीडियो।